बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धानुभूति देवियों, प्यारे बच्चों, विचार श्रवण किए संत श्री राम साहेब जी के, सदगुरु पलटू साहेब जी का ये भजन बहुत ही साधक के लिए, भक्त के लिए साधना परायण है, भक्ति भाव पर है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बन जाएगा जो आप अपने को बनाना चाहते हैं, बस पड़े रहो, लगे रहो, अपना धैर्य न छोड़ो। बड़ी धैर्यता के साथ, धैर्य सफलता की कुंजी है। किसी भी दिशा में मनुष्य धैर्यवान नहीं है तो सफल नहीं हो सकता है। धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत है। एक सज्जन ने प्रश्न किया, महाराज आप धैर्य की बात करते हैं, क्या हम धैर्य करेंगे तो चलनी में पानी रुक जाएगा? तो उत्तरदाता ने कहा, हां रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? कहीं जब तक पानी बर्फ ना हो जाए तब तक धैर्य करो, पानी रुक जाएगा। बर्फ तो चलने में रुक ही जाएगा ना, तो धैर्य रखने की जरूरत है। इसी तरह धैर्य हमें सफलता देता है, वही नहीं कर पाते हैं। सबको धैर्यवान होना चाहिए, धीरज रखें। किसी भी दिशा में दुख आए तो, सुख आए तो धैर्यवान बने और सही दिशा में लगे रहें, सेवा परायण बने रहें और अपने स्वभाव को ठीक करते रहें। एक दिन हम अच्छे बन जाएंगे, हमारी आदत सुधर जाएगी। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम नहीं सुधार पाएंगे अपनी गलती को, इतने दिन हो गए, क्या बताएं, कैसे हम नहीं सीख पाएंगे। लगे रहे, बस छोड़े नहीं। गलती हमारी होती है कि हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर सफल कैसे होंगे? लौट पड़ते हैं, रुक जाते हैं, काम ही बंद कर देते हैं तो सफलता का भी नाम कहां रह जाएगा? कार्य को बंद ना करें, धीरे ही सही, थोड़ा ही सही करते चलें, करते चलें। सत्संग थोड़ा ही सही, अध्ययन थोड़ा ही सही करें तो सही, लगन तो लगाएं, संत दर्शन थोड़ा ही सही करें, ध्यान थोड़ा ही सही करें। अब सोचते हैं लोग कि अरे महाराज, जब हम पूरा सुधार कर लेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, हल चलाना छोड़ देंगे और मोह माया सब मिट जाएगी, तब भक्ति करेंगे, तब साधन भजन करेंगे। एक ने कहा, महाराज हम तैरना सीख लेंगे तब पानी में हम प्रवेश करेंगे, ऐसा कभी होगा? तैरना कहीं सूखे में टीले में सीखा जाता है क्या? अरे पानी में ही कूद करके सीखा जाता है। और तैरना जल्दी सीखना हो तो गहरे पानी में कूद पड़ो आंखें बंद करके, और सिखाना हो तो उठा के फेंक दो पानी में, तो फिर पानी मुख में जाएगा, तड़फड़ाएगा, परेशान होगा, हाथ पैर मारेगा तो बन जाएगा। और किनारे किनारे पानी के तैरना कभी नहीं आएगा। इसी तरह कोई साधना करना चाहता है, कोई भक्ति करना चाहता है तो किनारे पर नहीं जाना होगा, पास में लगना होगा और मेहनत करनी होगी, कुछ उसकी चुंगी पटाना होगा। चुंगी क्या है? ये मेहनत, ये त्याग, तपस्या, सहनशीलता, संत गुरुजनों की डांट फटकार और शारीरिक मानसिक मेहनत, ये सब चुंगी है। ऐसे कोई करना नहीं चाहता है। जैसा कि अभी सुने हैं, पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे कि देखो आग लगती है, भस्मसात कर देती, कोई आग से अपना प्रेम छोड़ देता है क्या? सब दिशा में मेहनत करके आगे लोग बढ़ते हैं,
लेकिन भक्ति के क्षेत्र में सब फ्री चाहते हैं, सब तरफ इतना मेहनत और भक्ति की तरफ इतनी कंजूसी और कायरता क्यों? लेकिन ये प्रकृति की ओर से मानो बहुत सदा से ऐसा ढिल्लरी लोग रहे। कल्याण की दिशा में ये मन लगता ही नहीं, बहरवासु मन, आदती मन, सदा से जिसमें अभ्यास उसका है उधर ही दौड़ लगाता है। और इस कल्याण के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, और व्यवहारिक चीजों के लिए लोग बहुत सहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अरे ताश खेलने वाले तो दिन दिन भर बैठे रहते हैं, उनकी न कमर दुख है न पैर दुख है, ताश पर ताश खेलते चले जाते हैं। जुआ खेलने वाले उठने का नाम नहीं लेते, जिंदगी उनकी बिगड़ जाती है, घर लूट जाता है, पत्नी भग जाती है, कंगाल हो जाते हैं, घर बिक जाता है, लेकिन थकते नहीं है। तीन चार दरिद्र जा रहे थे परदेश कमाने, अपनी दरिद्रता से घबरा उठ करके, और घर के लोगों ने फटकारा तो चल पड़े, चलो भैया कमाते हैं, चल पड़े। तो रास्ते में शाम हो गई तो एक गांव के बाहर एक बगीचा में अपना विश्राम करने लगे, डेरा डाल लिए। तो पड़ाव समझ लिए कि अब यहीं पर थोड़ा से रुक जाते हैं, और अपरिचित गांव है वहां क्या करेंगे जाकर। पैरा वैरा खोज लिए, बगीचा में लेट गए। अब भूखे भजन न होए गोपाल, भूख लगी है कैसे करें, घर से थोड़ा मोड़ा खाकर चल दिए थे। थैले में कहीं दाल चावल थोड़ा मोड़ा पड़ा था, पर दे दिया था कि जाओ परदेश कमा लाओ, न बर्तन था न कुछ। तो लेट गए, एक उठ करके चैन न पड़ी तो बैठता है, कहने यार गांव से हम जाते हैं, हंडी लाते हैं, एक मटकी खिचड़ी बन सकती है, चावल दाल तो है ही पास में। और ठीक है, तो अगर आप लोग जाएंगे हंडी लाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक ने कहा हाँ जरूर जरूर, चलो हम भी कुछ कर लेंगे, हम चूल्हा बनाते हैं। एक चूल्हा लकड़ी बनाया, एक हंडी चला गया, दाल चावल निकाले, पानी डाले, उबालने लगे, खिचड़ी बन के तैयार हुई। तो तीनों चारों वहीं पर सब थे। एक ने कहा भाई साहब खाएंगे किस में, जल्दी ठंडी करो, कहीं खाने को थाली है नहीं। तो लेटे लेटे कहने कहता है कि देखो वो खेत का केला का खेत है, बाग लगा है, वहीं जाकर पत्ता काट लो, उसी में खिचड़ी बरस दो। तो कहीं जाओ, कहीं देखो मैं बता दिया हूं, मैं इतना थका हूं, इतना कमजोर हूं, भूखा हूं कि मैं उठ नहीं सकता, बता दिया इतना कम है। दूसरे कहा देखो भाई मैं बना लिया हूं, तीसरे कहा मैं मटकी ला दिया हूं कम है। तो अपना अपना हट लेकर के वहीं पर सोचे कि चलो चुपचाप रहे। इतने में एक कहता देखो भाई ऐसे नहीं चलेगा, सर्प लगनी लगती है, जो पहले बोले वही पत्ता काटे। अब मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था, वहां से जा करके पत्ता काट के ला नहीं सकते थे, भोजन पाना था, इतना अमृत तुल्य भोजन जिससे नींद आती अच्छी, दरिद्रता मिटती उनकी, अब बल आ जाता, कमाने चले जाते, ऐसे भोजन को खाने के लिए पत्ता नहीं ला सके। लेटे रहे, मौन हो गए, ताला लगा लिए मुख में। और थोड़ी देर में गांव से कुत्ते आए दो चार, घूमते टहलते दौड़ते, देखे कि सन्नाटा है, कुछ महक रहा है, धीरे धीरे पहुंच गए मटकी के पास, ठंडी हो गई थी, खिचड़ी मुंह डाले और उसे बिखेरे और खाए, और खूब आपस में झगड़ा किए और चले गए। देखते रह गए चारों, और कुत्ते को डांट ना सके, खिचड़ी खा के चले गए, अभी भी पत्ता के काटने के डर से पड़े हैं, सर्त लगाए हैं। बात की बात है भाई, बात ऐसी होती है लोगों की,
अब लेते हैं नींद कैसे लगे। रात के 11 बज गए, गांव से चौकीदार पहरा देने वाले सिपाही आए, देखे टार्च लगा कर, अरे चार लोग कौन पड़े हैं भाई, आ गए पास में, सीटी बजाए और दो एक पुलिस आ गई, बोले कौन हो, बोले गए, अगर बोले तो पत्ता काटे जाना पड़े, तो बस बोलते नहीं, डंडा वंडा इधर उधर किए, गाली गुफ्तार किए, जागे नहीं, चलो इनको पकड़ो, दो चार पुलिस आ गई, उनको पकड़े, हथकड़ी लगा कर ले गए थाने, बंद कर दिए। सुबह नहा धो करके जब मुंशी बैठता है दीवान और बदलाव आए मुलजिमों को, जो चार रात को मुलजिम आए सामने किए, बुजुर्ग तो यही है, बोलो भाई तुम लोग क्या कर रहे थे, बोलते ही नहीं, बोले तो पत्ता काटे जाए पड़े। इसी तरह से देखो कितनी दुर्दशा हो रही है, लेकिन मूर्खता में वो बोल नहीं रहे, अभी भी उनकी मूर्खता है। और फिर परेशान हो गए, तो दरोगा जी सोचे कि ये लगता है पागल वागल हैं, कहां से आ गए, रात भर परेशान हुए हथकड़ी बेड़ी लगाने में, अगर सही सलामत होते तो इनसे कुछ नोट मिल जाती तो छोड़ देते, चलो इनको हटाओ। कहा अरे भाई छोड़ो इनको, पागलों को कहां से लाए हो। तो पुलिस भी सोचा कि क्या बताएं, कोई फायदा ना हुआ, कालर पकड़े उनका, जोर से वहीं पर ऊंचे चबूतरे से ढकेल दिए, धक्का देकर गिराए, तो एक गिरा खरंजा में, अब भूल गया कि मैं मौन हूं, अब बोल पड़ा कि रात तेरी कई पुलिस बिना जाने समझे मार रहा है। तो इतने में दूसरा जो उसका साथी था जेब से चाकू निकाला और दौड़ा, कहा ले ले तो ही पत्ता काटने जा चल। तीसरा कहता हाँ हाँ यही काटे, चौथा कहता हाँ यही बिल्कुल काटे, चल पत्ता काट। दरोगा जी देख करके अचंभे में पड़ गए, अरे अभी तो ये मौन थे, ये क्या हो गया इनको, चारों ये सब आपस में झगड़ने लगे, पुलिस आ गई पकड़े, क्या बात है भाई, कहेंगे आप भी कैसे आदमी हैं, दरोगा पुलिस बन गए, अरे समझ तो लेनी चाहिए, हम लोग शर्त लगाए बैठे थे। सारी कहानी जब दरोगा जी सुने तो उनकी मूर्खता पर सब हंसे और गुस्सा भी किए कि भगाओ भागो यहां से मूर्ख लोगों, रात भर परेशान हुए, परेशान किए दूसरों को, अरे भाई पत्ता लाके खा लेना चाहिए भोजन। देखो बाहरी शर्त छोटी सी बात के लिए कितना मेहनत सहे, और पुलिस का डंडा और गाली भी सहे, भूख प्यास भी सहे, लेकिन साधना के लिए, भक्ति के लिए, मन इंद्रियों पर विजय के लिए, कल्याण के लिए, दोष दुर्गुण मिटाने के लिए हम कष्ट नहीं सहना चाहते। कहते हैं महाराज तमाकू नहीं छूटेगी चाहे चार दिन भोजन न मिले। तो कितना लोग मेहनत करते हैं तमाकू बीड़ी चाय पानी के लिए, छोटी छोटी गंदी आदतों के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, अरे इनको छोड़ो कल्याण के लिए परिश्रम करो, पता चल जाए अपने जीवन में जो दुर्गुण है दोष है उसके लिए हम कमर कस लें, इसको बिना हम छोड़े माने भी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका मालिक हूं, अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आज नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी, इसलिए इस आदत को मुझे छोड़ के ही रहना है। दुश्मन को जैसे लोग सोचते हैं बिना इसका विनाश किए मेरा कल्याण नहीं, ऐसे भीतर अपनी आदतें हैं, अपनी मन इंद्रियां, अपने विकार हैं, दुश्मन हैं, तो अपने आपे शत्रु हैं, अपने आपे मित्र। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, पढ़ा लें, तो मन हमारा मित्र बन जाता है। अगर मन को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, नहीं प्रशिक्षित कर पाएंगे, तो मन हमारा ये दुश्मन शत्रु बना रहेगा, हमारे विनाश का इंतजाम करता रहेगा, कभी भी हमारा सुधार नहीं होगा, कभी भी हम सुख नहीं पाएंगे। सदैव सबके मन में बिगड़ा हुआ मन चोर छुपा रहता है और हमारे विनाश के रास्ते को साफ करता रहता है और हमें नरक में ढकेलता रहता है,
इसलिए सब लोग इस मन से चोर से सावधान रहें कि शत्रु है, और सदगुरु संतों के पास जाकर के इसकी ज्ञान की युक्ति और साहस बल लेते रहें और अपने जीवन को सुधार करते रहें, साफ स्वच्छ करते रहें।